बशर सादिक, आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव व्लॉगिंग। और आज है रमजान का डे 6 और रात को मैंने वीडियो नहीं शूट की, सुबह मैंने जोहर की नमाज पढ़ी। एक रेमेडी शेयर करती हूँ, ये धनिया का तेल है और ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ काफ़ी दिनों से और माशाल्लाह मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए इसके साथ, इसको लगाने से। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और जब आप कॉम करें तो ऐसी कंघी से कॉम करें और दूसरी कंघी आप मत इस्तेमाल करें, ठीक। फिर असर की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद हमने इफ्तारी बनाना शुरू की और ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस और यमी बनती है। सबसे पहले आप इसके अंदर क्यूकम्बर डालेंगे, कैबेज डालेंगे और फिर जो मैरिनेट करके आपने गोश्त रखा होगा वो इसके अंदर डाल देंगे कुक करके। इसको आप इसको डिफरेंट शेप्स में भी काट सकते हैं पर मैंने क्यूकम्बर को और कैबेज को इस तरीके से काटा है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे योगर्ट, देन फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर जो कि मैं डालना भूल गई थी, फिर मैंने टमाटर डाले। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मायोनीस और केचप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा आप धनिया भी इसके ऊपर फेंक सकते हैं और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। जब इफ्तारी होगी तो अब हम बाहर निकाल लेंगे इसको। आप इस हेल्दी चिकन सैलेड को अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं और आप इसको इफ्तारी में भी बना सकते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्दी है। देन यहाँ पर फिर मैं फ्राई कर रही थी बेसन वाले आलू और फिर उसके बाद मैंने फ्रूट्स काट लिए थे और इनको मैंने बाहर निकाल लिया। नीचे आप पेपर ज़रूर रखा करें, इससे ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है और ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। और देन फिर समोसे फ्राई किए, रोल फ्राई किए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, आप मेरे व्लॉग ज़रूर देखें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ले वाला था तो फिर मैंने दस्तरखान लगाने शुरू कर दिया। दस्तरखान में हमने आज ये सब कुछ बनाया था जो कि बहुत ही डिलीशियस और यमी था। देन फिर हमने रोज़ा इफ्तार किया और बाहर जो मून बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, जैसे जैसे रमज़ान आगे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे मून भी बहुत बड़ा होता जाएगा। पहले छोटा सा था, वन लाइन नज़र आ रही थी, अब थोड़ा सा राउंड और गोल होना शुरू हो गया। और देन फिर रोज़ा इफ्तार करने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर कुरान मजीद की तलावत की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।